हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दीपक नाइट्रेट लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में। 52 वीक का आई है 3020, 52 वीक का लो है 1710, क्वांटिटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुई थी 371962, डिलीवरी क्वान्टिटी 96142, डिलीवरी परसेंटेज 25.85%। तो ये इस स्टॉक का वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में RSI 43, ये है वन डे का चार्ट, वन डे के चार्ट में RSI 46, ये है वन आर का चार्ट, वन आर के चार्ट में RSI 64। ओवरऑल देखा जाए तीनों चार्ट में RSI बुलिश है, और वन आर के चार्ट में RSI यहाँ पे ओवरसोल्ड के आसपास, सॉरी ओवरबॉट के आसपास दिखाई दे रही है। अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। तो आज ये स्टॉक 1994.35 पे बंद हुआ है। तो वीकली चार्ट में बात करते हैं, यहाँ पे ये हाई लगाया, उसके बाद से यहाँ पे इसने जो लो लगा दिया है 1771 के आसपास में, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है स्टॉक। वनडे के चार्ट में सेम अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे ये एक साफ सेल हुआ, उसके बाद में एक अप मूव, फिर एक साफ सेल हुआ और एक अप मूव, अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ से ये स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे आ सकता है इसके बारे में बात करते हैं। तो वन आर में अगर हम देखें यहाँ पे ये यहाँ एक साफ अप मूव हुआ, उसके बाद से अभी कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे ऊपर के लेवल पे। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आएगा या बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये स्टॉक अगर 1990 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ का जो लेवल है वो है आपका 1963 के आसपास में। यहाँ पे टच कर सकता है, या हो सकता है मॉर्निंग में ही एक बहुत बड़ी कैंडल बना दे नीचे और उसके बाद में शार्प अपमूव होकर चला जाए, जैसे आज टाटा स्टील में हुआ था। तो सेम, क्योंकि अभी RSI इसकी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ओवरबॉट जोन के आसपास में, बट हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए और उसके बाद से बाउंस बैक कर जाए ऊपर की तरफ। बिकॉज यहाँ पे इस पूरे वीक में, अभी आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, भी 3 दिन बाकी है, तो 3 दिन के लिए इस स्टॉक में एक बड़ी मूवमेंट भी आ सकती है। अगर ये स्टॉक ऊपर 2009 का लेवल ऊपर क्रॉस करता है तो ये ऊपर यहाँ पे 2080 के आसपास जाएगा, उसके बाद से फिर 2124, 2150, 2238, यहाँ तक भी ये स्टॉक जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे जो इसने ब्रेक करी, उसके बाद से अब ये अपसाइड की जर्नी है होगी इसकी। तो यहाँ पे 2009 का जो लेवल है ये आप याद रखिए, अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं फ्रेश, लेकिन अगर ये नीचे आ जाता है, यहाँ पे भी अगर ये इस लेवल को भी अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे, तो फिर 1895 तक भी ये स्टॉक नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप वन डे का चार्ट देखेंगे, थोड़ा बड़ा करते हैं, वन डे के चार्ट में यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा ये स्टॉक यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऊपर का अपसाइड दिख रहा है 2060 के आसपास जो है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न कंफर्म कर देगा, उसके बाद से स्टॉक तेजी से अप मूव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर के टारगेट्स होंगे इस स्टॉक में 2078 होगा, यहाँ पे जहाँ पे जो वनडे के चार्ट में 2060 बदन बता रहा था, यहाँ पे 2060 से 2080 के बीच में ये टारगेट्स रहेंगे। उसके बाद से अपसाइड में 2124 है, 2150 और 2238, ये इन्हीं 2-3 दिन में एक लेवल्स जो हैं दिखा देने चाहिए इस स्टॉक को, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट्स हुई है, देखिए यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स बनाए हैं इसने, यहाँ एक बड़ा कैंडल बनाया, यहाँ एक बड़ा कैंडल बनाया, बड़ा कैंडल बनाने के एक पॉज दिया, उसके बाद फिर ऊपर, फिर एक बड़ा कैंडल बना दिया, उसके बाद अभी पॉज कर रहा है। पॉज में क्या होगा, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, उसके बाद से एक बड़ा कैंडल फिर बनाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बिकॉज वनडे के चार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत बार इसने ये लेवल को हिट किया है, यहाँ पे देखिए रसिस्ट किया, बहुत बड़ा अप मूव हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रसिस्ट किया, उसके बाद से एक बड़ा अप मूव,
सेम यहीं पे ही है अभी ये, और यहां से एक बड़ा अप मूव आपको इसी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आप इसी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं आपको बाय करना है या नहीं करना है। सो ये थी इसी स्टॉक की बेस्ट एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।